वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज केंद्रक के विषय में पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक केंद्रक की संरचना बनाई गई है, उसके बाद केंद्रक देख लेते हैं। पहले केंद्रक कोश के द्रव्य में पाया जाता है। कोश के द्रव्य में पाया जाता है केंद्रक के बाहर दोहरे आवरण वाली झिल्ली होती है। जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर अर्ध तरल गाढ़ा पदार्थ द्रव्य पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक केंद्रक झिल्ली है। जिसे न्यूक्लियो केंद्रक झिल्ली है दोस्तों ये। अब उसके बाद देखते हैं, ये केंद्रक छिद्र है। उसके बाद देखते हैं, एक क्रोमैटिन है। ये भी केंद्रक छिद्र है, एक केंद्रिका है। केंद्रक छिद्र के द्वारा ही केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, केंद्रक छिद्र के द्वारा ही होता है दोस्तों। केंद्रक झिल्ली जो होती है दोहरे आवरण की होती है। दोहरे आवरण की झिल्ली होती है। अब देखते हैं केंद्रक के विषय में और महत्वपूर्ण कुछ बिंदु। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कोशिका के अंदर उपापचयी तथा रासायनिक
पदार्थों का। चलो दोस्तों देखते हैं कोशिका के अंदर उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है, अब देखते हैं दोस्तों ये केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है, यह गोल या अंडाकार संरचना होती है, इसी में आरएनए का संश्लेषण होता है, कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है। अब देखते हैं दोस्तों अब देखते हैं जो ये सब पूरे धागे नुमा फैला हुआ है इसे क्रोमैटिन जलिका कहते हैं, उसके बाद अब देखते हैं क्रोमैटिन डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, उसके बाद दोस्तों चलो एक बार पूरा रिवीजन आप लोग करवा देता हूँ। केंद्रक की संरचना है उसके बाद देख लेते हैं केंद्रक कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, अठारह सौ ईस्वी में। केंद्रक के बाहर दोहरे आवरण वाली झिल्ली होती है दोस्तों, इसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक के अंदर अर्ध तरल द्रव्य पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है दोस्तों। केंद्रक के अंदर में जो केंद्रक द्रव्य है ये अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग भी लेता है। कोशिका के अंदर उपापचयी एवं रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों केंद्रिका जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है गोल या अंडाकार संरचना होती है, इसी में आरएनए का संश्लेषण होता है जो कोशिका विभाजन में विशेष महत्व है जिसका। क्रोमैटिन दोस्तों जो धागे नुमा फैला हुआ है इसे क्रोमैटिन जलिका कहा जाता है। ये दोस्तों कोशिका विभाजन के समय छोटे एवं मोटे धागे के रूप में हो जाता है जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब दोस्तों ये जो थोड़ा थोड़ा गैप है इसे केंद्रक छिद्र कहा जाता है। जो केंद्रक छिद्र या केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रक छिद्र के द्वारा ही होता है दोस्तों, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये क्रोमोसोम की संरचना है।
चलो देखते हैं। सबसे पहले टेलोमियर जो है, टेलोमियर क्रोमोसोम का गुणसूत्र कहते हैं, जिसे क्रोमोसोम को गुणसूत्र का गुणसूत्र का शीर्ष भाग होता है। शीर्ष भाग होता है पेलिकल दोस्तों, गुणसूत्र का पहला आवरण होता है पेलिकल, गुणसूत्र का पहला आवरण होता है। पहला आवरण होता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दोस्तों पेलिकल के द्वारा जो घिरा हुआ भाग होता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है, पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग को, घिरे हुए भाग को मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में जो क्रोमैटिड पाया जाता है, क्रोमैटिड धागे के कुंडलित धागे होते हैं उसे क्रोमैटिड कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों क्रोमैटिड में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में कुंडलित दो धागे पाए जाते हैं समांतर क्रम में, उन्हें क्रोमैटिड कहा जाता है। क्रोमैटिड डीएनए और हिस्टोन नाम की प्रोटीन से बना होता है, चलो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टेलोमियर जो है गुणसूत्र का शीर्ष भाग होता है, पेलिकल दोस्तों पेलिकल गुणसूत्र का पहला आवरण होता है उसे पेलिकल कहा जाता है, पेलिकल के द्वारा जो घिरा हुआ भाग होता है दोस्तों उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखते हैं मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में कुंडलित दो समांतर क्रम में धागे पाए जाते हैं उसे क्रोमैटिड कहा जाता है।
क्रोमैटिड डीएनए एवं हिस्टोन नाम की प्रोटीन से बना होता है। अब देखते हैं दोस्तों क्रोमोनिमेटा क्या होता है। क्रोमोनिमेटा दोस्तों क्रोमैटिड प्रत्येक क्रोमैटिड में दो या अधिक महीन कुंडलित धागे के समान रचना होती है जिसे क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। दोस्तों रचना या संरचना एक ही चीज़ है, संरचना या आकार होती है। प्रत्येक क्रोमैटिड में दो या अधिक महीन कुंडलित धागे के समान जो संरचना होती है उसे क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। अब देखते हैं सेंट्रोमियर क्या होता है। गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर संयोजित होते हैं एक दूसरे से संयोजित होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ये प्राथमिक संकुचन है, ये द्वितीयक संकुचन है। चलो एक बार दोस्तों जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं थोड़ा सा। टेलोमियर जो है ये गुणसूत्र का शीर्ष भाग होता है। पेलिकल जो है गुणसूत्र का पहला आवरण होता है। ये दोस्तों द्वितीयक संकुचन है। क्रोमोनिमेटा देखते हैं, प्रत्येक क्रोमैटिड में दो या अधिक महीन कुंडलित धागे के समान संरचना होती है उसे क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। अब देखते हैं सेंट्रोमियर। दोस्तों गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं जुड़े होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पिंड कर रहा हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।